Ranjit. I'm Head of Sales Capability and Learning and Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. This is my last टॉपिक पे बात की कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होता है. उसमें ब्रायन डायसन के एक मॉडल पे हमने बात की कि वर्क मींस फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया. देन वी टॉक अबाउट द सीरियस कॉन्सेप्ट अबाउट द व्हाई सेल्फ मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट के और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम टैकल कर सकते हैं. और self-management is one of the biggest concept जो इतनी आसानी से build नहीं होता जब तक हम इसको practice करना start नहीं करते. तो आइए जब practice की बात आती है तो हम self-word को समझते हैं. self-word क्या होता है? तो सबसे पहले how can you manage self. तो पहले बात करते हैं S क्या होता है, इसमें E क्या है, L क्या है, F क्या है. so S E L F is acronym. so the first word that is called S. S means start working on your strength. Most of the time हमारे पास problems क्या होती हैं कि हम हमेशा अपनी weaknesses पे focus लगाना शुरू कर देते हैं और weaknesses को ठीक करना चाहते हैं. लेकिन इस concept को अगर थोड़ा सा यूं बदल दें कि हमारी strength को देखें और strength को speciality में convert कर दें, strength को USP में convert कर दें. For example अगर हम बात करते हैं कि आप HR department के अंदर, sales department में या marketing के अंदर, तो let's take example of sales वाला department. अगर सेल्स में अगर आप काम करते हैं तो यू शुड नो द मार्केट इंटेलिजेंस, यू शुड नो द मार्केटिंग ब्रांडिंग, यू शुड नो सेल्स ऑपरेशंस, यू शुड नो द सेल्स एडमिन, यू शुड नो द वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमर्शियल साइड ऑफ द सेल्स. अगर ये तमाम चीजें आप देखते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं पर्टिकुलर फाइनेंस का डिपार्टमेंट, सो यू शुड वर्क ऑन द स्ट्रेंथ फर्स्ट एंड स्ट्रेंथ को बना दो अपनी ऐसी कॉम्पिटेंसी कि वो आपकी स्पेशलिटी बन जाए. जब आप लोग आपका नाम लेना स्टार्ट कर दें तो वो नाम से पहले आपको काम को जानना स्टार्ट कर दें. फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्रांड का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं दागों का चैंपियन, तो दिमाग में एक डिटर्जेंट का नाम आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सर्फ एक्सेल. ये सब राइट कर देगा, ब्राइट सब राइट कर देगा. सो ये सारी जो चीजें हैं तो मतलब एक यूएसपी डेवलप किया उन्होंने, एक लिंगो डेवलप किया है जिसे प्रोडक्ट का नाम आता है. और अगर आपसे पूछा जाए Who is one of the finest batsmen in 21st century? तो आपके दिमाग में दो ही नाम आते हैं जिसमें विराट कोहली है एंड बाबर आजम है. तो अपने काम को ऐसा बना दो, अपने काम को ऐसा पावरफुल बना दो जो लोग आपको स्ट्रेंथ से कॉल करना शुरू कर दें. बैट्समैन मीन्स विराट कोहली, बैट्समैन मीन्स बाबर आजम, बॉलर मीन्स वजीम अकरम, स्पिनर बॉलर मुतैया मुरलीधरन, अगर बात की जाए ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ, और इसी तरह से आप जो भी नाम रिकॉल कर सकेंगे. बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी. तो दिस इज कॉल्ड कि इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पे इतना काम किया कि वो उसी स्ट्रेंथ के ब्रांड बन गए. सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ यू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल. सो इट मीन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर सेल्फ यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ. Now the second word that is very powerful also, that is called evaluate every day. जब आप अपनी strength को choose कर लेते हैं, for example जैसे कि एक trainer या फिर एक teacher अपनी strength को identify करता है. बहुत सारे market में courses होते हैं लेकिन वो chemistry को choose करता है, physics को choose करता है या English को choose करता है, mathematics को choose करता है. अगर हम commerce की बात करें, accounting को, economics को, marketing, sales को choose करता है. इसी तरह से अगर हम बात करें engineering को तो वो मोस्टली फोकस करता है फिजिक्स पे, मैकेनिक्स पे, इलेक्ट्रिकल साइड पे. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है. वीकनेसेस पे अगर हम टाइम लगाएंगे तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगी. वीकनेसेस पे हम बात करेंगे, वीकनेसेस को भी ठीक करना चाहिए लेकिन स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो. और स्ट्रेंथ को यूएसपी जब आप बना रहे हो तो आप इवेलुएट करो कि आप अभी कहाँ हो, कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट टीचर यू शुड नो, you should understand कि अभी मेरा teaching का style क्या है. तो you should copy or you should adopt, you should follow one of the best teacher जो already market में काम कर रहा है. आइए बात करते हैं, for example अगर आज इमामुल हक को बाबर आजम जैसा batsman बनना है तो इमामुल हक को सबसे पहले रिजवान की category का batsman बनना पड़ेगा, Mr. Dependable. और अगर हम बात करें वो runs बनाए, वो situation को deal करे. So it means अगर आप अपना career शुरू कर रहे हैं और as a batsman bowler खेलना चाह रहे हैं
तो आप अपने माइंड में अपने रीजनल क्रिकेट को देखें कि वहां पर कौन सा अच्छी बॉलिंग करता है, रीजनल के बाद देखें कि फर्स्ट क्लास में कौन सी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद आप देखें कि बी टीम में कौन, सॉरी ए टीम में कौन सा बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद देखें बी टीम में आपका कौन सा प्लेयर है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो यू मेक इंस्पिरेशंस, यू मेक इंस्पिरेशंस कि आपको कहां और कैसे बनना है। सो यू स्टार्ट इवेल्युएटिंग योरसेल्फ एंड गेट अ फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट पीपल कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूएसपी कन्वर्ट कर रहा हूं, मेरी हेल्प करो, मैं अपने आप को कैसे इवेल्युएट कर सकता हूं। इवेल्युएट करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप अपना उस पेन और पेपर उठाएं, उस पे लिखें कि आज जो आपकी स्ट्रेंथ है उसकी कैटेगरी कितनी है, अपने आप को 10 में से नंबर देना स्टार्ट करें कि अगर आज, अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वो 5 बड़े नाम कौन से हैं जो इस वक्त बड़े मकाम पे हैं, तो उन 5 नामों को अपने पास लिख के देखूं कि यार वो क्या अच्छी चीजें करते हैं जो मैं नहीं कर रहा, वो कौन सी है उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जो मैं नहीं बना पा रहा, उनका नाम किस बात की वजह से बहुत पॉपुलर जो मैं नहीं कर रहा। जैसे कासिम अली शाह साहब है, यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं जो मैं अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा। अगर हम बात करें विवेक बिंद्रा इंटरनेशनल ट्रेनर की, वो क्या ऐसा कंटेंट डेवलप करता है जो मैं नहीं कर पा रहा। तो इवेल्युएशन आपको अपने आप की अगर करनी है तो आपको अपने मार्केट के जो लीग के प्लेयर्स हैं, लीग के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको भी देखना पड़ेगा वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं। अगर हमने उनको इवेल्युएट नहीं किया और अपनी ही धुन में स्टार्ट करके, काम तो होगा लेकिन आपके काम को डायरेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लोग उनको ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं, लोग उनको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो उस लीग में आने के लिए हमें अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर हमने इवेल्युएट नहीं किया, हम लोगों की बातों में आना स्टार्ट कर गए, तो आप अपने आप के साथ पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने आप को अच्छा समझना शुरू कर दोगे। दैट इज नार्सिसिज्म। एंड नार्सिसिज्म क्या होगा, अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन इन फ्यूचर ये आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो मुझे लगता है कि आपने स्टार्ट वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ एस सीख लिया होगा। इवेल्युएशन का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, और इवेल्युएशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ बॉलर, इफ यू आर अ क्रिकेटर, इफ यू आर अ बैट्समैन, यू शुड लर्न हाउ टू बॉल, आपको वो आ गया। यू शुड लर्न कि मुझे सिचुएशनल बॉलिंग कैसी करनी चाहिए। अगर आप फास्ट बॉलर हैं, स्पीड तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको इन स्विंग आना चाहिए, आपको आउट स्विंग आना चाहिए, आपको बाउंसर आना चाहिए, आपको यॉर्कर आना चाहिए, स्लो पेस बॉल फेंकना चाहिए, आपको सीम आना चाहिए। मीन्स यू लर्न द कैटेगरी कि मुझे ये सारे टाइप्स ऑफ बॉलिंग आनी चाहिए। सब सारी टाइप की बॉलिंग आप सीख लें तो आपको स्लो पिचेस पे कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, हार्ड पिचेस पे कैसी करना है, ग्रीन सरफेस पे कैसी बॉलिंग करनी चाहिए। यू नीड टू लर्न एवरीथिंग टू बिकम नंबर वन इन योर फील्ड। मीन्स जब आपकी स्ट्रेंथ बन गई, आपने इवेल्युएट भी किया, इवेल्युएट करने के बाद नाउ यू हैव टू मेक अ योर डेवलपमेंट प्लान, मुझे क्या करना है। क्रिकेट के बाद हम बात करते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर, इफ यू वांट टू बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए मुझे कौन सा फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना अपने नाम से टैग करना चाहिए। जैसे कि मुझे जिक्सो डिस्कवरी टूल बहुत अच्छा लगता है, MBTI साइकोमेट्रिक असेसमेंट बहुत अच्छा लगता है, मुझे ODK प्रोसेस बनाना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सेल्स कैपेबिलिटी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगना इज नॉट इनफ, आप इन चीजों को लर्न करना स्टार्ट करना है। लर्निंग का प्रोसेस क्या है भाई, लर्निंग आप कहां से कर सकते हैं, आप लिंक्डइन लर्निंग अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, Coursera.com ज्वाइन कर सकते हैं, यहां भी लर्निंग स्टॉप नहीं हुई आपकी मार्केट में, बहुत अच्छे कोचेज हैं, उनके पास जाएं, टाइम स्पेंड करें। अगर सिर्फ फ्री में भी टाइम स्पेंड ना करें, उनको आप पे करना स्टार्ट कर दें, ऑनलाइन कोर्सेज बड़े जबरदस्त होते हैं, आप उनको पे करें और लर्न करें। जितना आज आप अपने आप इन्वेस्ट करेंगे लर्निंग के अंदर, वही आपको कल जाके पे ऑफ करना स्टार्ट कर देगा। सो आइए बात करते हैं चौथी चीज पे, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑन पॉजिटिविटी। जब आप स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी आपका स्कोर 10 में से 8 है, तो जो 2 वाला स्कोर है वो बहुत ही छोटा सा चंक है। 8 मींस 80% आपने अचीव कर लिया, आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई हो गई, स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू कर दिया। जो 8 से जो 2 का गैप है, 2 को कन्वर्ट करना है 10 के अंदर, वो बहुत ही छोटा सा बेस साइज है, उसको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारी पॉपुलेशन 10 करोड़ लोगों की है किसी भी मुल्क में, और 9 करोड़ लोगों ने आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, तो जो 1 करोड़ है, और अगर हम ग्रोथ निकालें लास्ट ईयर, जिसको बोलते हैं ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, जो 9 करोड़ लोगों ने आपका प्रोडक्ट यूज किया वो आपका 90% है। अगर मैं आपको कहूं कि वो 9 करोड़ लोगों ने आपका 2022 में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पॉपुलेशन ही आपकी क्या है, 10 करोड़ है,
जब 2023 में खड़े होंगे तो आपकी जो ग्रोथ आएगी वो क्या आएगी, आपकी 10% आएगी। वो 10% इसलिए आएगी क्योंकि आपकी 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, 9 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है, जो 1 करोड़ अभी बाकी है वो आपका यूटिलाइजेशन होगा। तो इट मींस आपका ओवरऑल ग्रोथ तो 100% है, लेकिन जो ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर होगा वो आपका 10% आंसर आएगा। सिमिलरली ऐसा ही है कि आपका स्कोर आज 8 है, बाकी 2 रहता है, तो आपको फोकस करना चाहिए, अपने आपको पॉजिटिव रखना चाहिए कि कोई बात नहीं है, एक मुल्क में मेरे 9 करोड़ यूजर हैं, वो 1 करोड़ हो जाएंगे, तो बस उस फ्रेटर्निटी से हटना नहीं है, उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है ताकि लोग छोड़ के ना जाएं, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है जो 10 में से 8 है वो कम नहीं होनी चाहिए, फिर आपको एक नई स्ट्रेंथ पिक करनी है। चलो भाई, मैंने एज ए ट्रेनर की बात की, कॉर्पोरेट ट्रेनर की बात की, या एज ए क्रिकेटर की बात की, अगर मैं सारी बॉलिंग के टेक्निक सीख जाऊं और सारे कोर्सेज पे जो मैंने अभी आपको बताया, जिग्सॉ, एमबीटीआई, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, उस पे उबूर हासिल कर लूं, तो फिर मुझे एक नई लीग डिफाइन करनी चाहिए कि जो 5 ट्रेनर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें कासिम अली शाह का नाम लिया हमने, संदीप महेश्वरी का नाम लिया, विवेक बिंद्रा का नाम लिया, उज्जवल पाटनी का नाम लिया, शिव खेरा का नाम लिया, ये जो 5 लोग हैं डिफरेंट चीजें क्या करते हैं, तो हर एक चीज को मैं पिक करूं और अपने आप को अडॉप्ट करूं ताकि मैं एक डिफरेंट फ्लेवर बनना स्टार्ट हो जाऊं। सही है, तो जब आप फोकस करेंगे अपनी पॉजिटिविटी पे, अपनी स्ट्रेंथ को गिरने नहीं देंगे, इवेल्युएट करेंगे रोज मेरी क्या कमी रह गई, और लर्न करेंगे रोजाना नई से नई चीजें जो आपके काम को बेहतर बनाएंगी और आपको एक मार्केट में ब्रांड नेम बनाएंगी, और आप फोकस करते रहेंगे अपनी कोताहियों पे, फोकस करेंगे लर्निंग पे, फोकस करेंगे अपनी आप की इवेल्युएशन पे, तो आप हमेशा पॉजिटिव बिहेव करना शुरू कर देंगे। और नेगेटिव पता है बिहेव कौन करता है, जो खुद तो इनकॉम्पिटेंट है और सामने वाले की कॉम्पिटेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो आपके घर में, आपकी ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, आपके मुआशरे में नेगेटिविटी फैलाएगा। पॉजिटिविटी कौन फैलाएगा, जो खुद के पास स्ट्रेंथ है, खुद इवेल्युएट कर रहा है, खुद लर्न कर रहा है और दूसरों को भी कोशिश कर रहा है वो लर्न करें, ये आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके घर में, आपके मुआशरे में पॉजिटिविटी फैलाएगा। जब पॉजिटिविटी फैलाएगा तो मैं ये समझता हूं यू विल लर्न स्टार्ट हाउ टू मैनेज सेल्फ, एंड व्हेन यू बिकम अ पॉजिटिव आई थिंक दी कंप्लीट पैकेज ऑफ सेल्फ हैज बीन कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से हम बात करते रहेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट को